दोस्तों, दुनिया में किसी भी चीज को पाने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप इतने काबिल हो, आपके अंदर इतनी प्रतिभा हो। दूसरा, या तो उस चीज को पाने के लिए किसी तरह की जुगाड़ कर लें। और आज हम आपको भारत के इतिहास के एक ऐसे ही सुल्तान के बारे में बताएंगे जो था तो एक गुलाम, पर उसने ऐसी जुगाड़ बिठाई कि सीधा सुल्तान की बेटी को ही सेट कर दिया और शादी करने के बाद अपने साले को मारकर खुद सुल्तान बन बैठा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में एक गुलाम था। इसे घोड़ों और घुड़सवारी में अच्छा नॉलेज होने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने महल के अस्तबल का कार्यभार इसे सौंप दिया। और एक बार महल में किसी कार्यक्रम के दौरान तीन लड़कियां घूमते हुए अस्तबल पहुंच गईं। उन लड़कियों ने एक घोड़े को पसंद किया और इशारा करते हुए कहा कि उन्हें ये घोड़ा चाहिए। इस पर इल्तुतमिश ने कहा कि ये घोड़ा सुल्तान का है और मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। ये सब सुनने पर लड़की ने कहा कि अगर तुमने ये घोड़ा मुझे नहीं दिया तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दोनों के बीच बहस चली रही थी, एक सिपाही इल्तुतमिश के पास आया और बोला कि इन्हें जो भी घोड़ा पसंद है इन्हें दे दिया जाए, क्योंकि ये सुल्तान का फरमान है। उसने वो घोड़ा तो उसे दे दिया, पर उसने उस लड़की के बारे में मालूम किया तो उसे पता चला कि ये सुल्तान की इकलौती बेटी शाह तुर्कान है। शाह तुर्कान उस घोड़े को काबू न कर सकी और गिर कर चोटिल हो गई और घोड़ा भी कहीं भाग गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने घोड़े को ढूंढने का आदेश दिया और बड़ी होशियारी से इल्तुतमिश ने उस घोड़े को ढूंढा और सीधा महल लेकर पहुंचा। वहां उसने दोबारा शाह तुर्कान को महल में देखा। वो मनी मन शाह तुर्कान को पाने का सोचने लगा, पर वो गुलाम था इसीलिए वो चुपचाप सुल्तान के पास चला गया। सुल्तान ने उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे बदायूं का गवर्नर बना दिया। इसने बदायूं के आसपास के इलाके को जीतकर कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल खुश कर दिया और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपना पूरा परिवार लेकर सीधा बदायूं पहुंच गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ उसकी बेटी शाह तुर्कान भी बदायूं के महल पहुंची। यहां शाह तुर्कान और इल्तुतमिश की मुलाकात हुई, पर अब वो कोई गुलाम नहीं बल्कि एक गवर्नर था। इधर राजपूतों से चल रहे संघर्ष की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को तत्काल प्रभाव से राजस्थान जाना पड़ा और वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बदायूं के महल में ही छोड़ गया। यहां शाह तुर्कान की आए दिन इल्तुतमिश से मुलाकात होती और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार होने लगा। और एक दिन इल्तुतमिश ने मौका पाकर उसको अपने कमरे में बुलाया और जमकर पेला। अब वो आए दिन शाह तुर्कान के साथ हम बिस्तर होने लगा। ये बात जब शाह तुर्कान की माँ को पता चली तो उसने इसका विरोध किया। इल्तुतमिश ने दूसरे ही दिन काजी को बुलाकर शाह तुर्कान से निकाह कर लिया। और जब इसकी जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को हुई तो वो सीधा राजस्थान से दिल्ली पहुंचा और उसने तुरंत इल्तुतमिश को महल बुलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की बातचीत के दौरान जब इल्तुतमिश को लगा कि सुल्तान उसे मारने का आदेश दे सकते हैं, उसने दूसरे ही दिन उसे षड्यंत्र के द्वारा मरवा दिया और खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को मार दिया और इसको सपोर्ट करने वाले तुर्क सरदारों को मारकर उनकी बीवियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और इसी ने बाद में कुतुब मीनार का रुका हुआ काम पूरा कराया। वैसे दोस्तों, आपको इस चालाक इल्तुतमिश के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।